हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यह है सुबह का टाइम। खुशबी को स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। खुशबी स्कूल चली गई है, उसके बाद ये मेरा घर का काम सारा रह गया था, तो मैं अब इसको कर रही हूँ। यह सारा सामान इधर उधर समेट के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो इतनी हड़बड़ होती है कि पूछो मत। सभी लेडीज़ को पता ही है कि सुबह सुबह कितना हड़बड़ाहट होती है। सारा किचन का काम भी जल्दी जल्दी करना पड़ता है, उसके बाद बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, उसके बाद घर के काम में जुट जाते हैं। बस अब मैं ये बिस्तर वगैरह समेट रही हूँ। सारा सामान कुछ भी नहीं इधर उधर बखेर रखा है, उसको भी समेट रही हूँ। तो बस अब मैं ये बिस्तर वगैरह झाड़ झूड़ के अपना तय करके लगा दूंगी। कंबल को झाड़ रही हूँ, इसको वो तय करके रख रही हूँ। और बस ये सही से सारा सामान देखो, जो सामान यहाँ वहाँ सारा बिखेर के चले जाते हैं ये लोग, तो मेरे को अब ये तो सही करना ही होता है, तो ये सब सही से कर रही हूँ। तकिया वगैरह सही से लगा रही हूँ। बस अब ये कंबल तय कर दिया है, इसको भी मैं वहाँ पे रख दूँगी। और अब बिस्तर को भी झाड़ वाड़ लूँगी। बिस्तर में भी जो ये खिलौने उलौने जो भी सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, सारा उठा उठा के रखूंगी। ये देखो कुछ भी स्वेटर वेटर उतार के ऐसी फेंक के चली गई है, तो बस उसको भी मैं टांग दूंगी उसकी जगह पे। और बस ये चादर वदर सही करके झाड़ के सही से बिछा दूंगी। और आज हमारे यहाँ ठंड बहुत हो गई है, हवा काफ़ी चल रही है ठंडी ठंडी। क्या पता कहीं बर्फ़ वगैरह पड़ गई है शायद गाँव में, तो यहाँ पे भी आज बहुत ठंडी हवा चल रही है। तो ये देखिए कुछ भी नहीं, खिलौनों का थैला भी यहाँ पे पटक रखा है। जो सामान जहाँ पे खेलती वहीं पे पटक देती है। बस रखा तो है लेकिन फिर भी इधर ही पटक गया, तो मैं इसको उठा के रखना पड़ेगा मुझे। तो मैं इसको उठा के अब रखूँगी। तो बस हो गया, मेरा सारा घर का काम भी हो गया। और तो ये देखिए, ये मेरे पास एक ब्लाउज पीस पड़ा हुआ है, किसी काम का नहीं है, तो मैं सोच रही इसका कुछ बना लूँ। तो देखिए मैं क्या बनाती हूँ, इसका कोई यूज़फुल चीज़ ही बनाऊँगी। तो देखिए, तो ये देखो पहले मैं ये इसको सीधा कर लेती हूँ, जो धागे वागे निकले दोनों साइड से इनको कटिंग करके सीधा, फिर इसको ऐसे फोल्ड करूँगी और उसको ऐसे फोल्ड करूँगी बीच सेंटर में, सेंटर पॉइंट निकाल के इधर से उधर को फोल्ड करके, उधर से उधर को फोल्ड करके आपको दिखाती हूँ फिर। तो ये देखिए ब्लाउज पीस को मैंने किनारों से कट कर लिया है बराबर। अब इसको इसको फोल्ड कर लेंगे पहले, क्योंकि नहीं तो इसके धागे निकलेंगे, इसलिए इसको पहले ऐसे करके फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड सिलाई लगा लेंगे पहले मोड़ के। तो ये देखिए दोनों किनारों पे मैंने सिलाई लगा ली है, इधर भी और इधर भी दोनों किनारों पे मैंने सिलाई भी लगा ली है, और इसका मैंने सेंटर पॉइंट भी लगा लिया है दोनों का, दोनों साइड से ऐसे करके ऐसे फोल्ड करके ये सेंटर पॉइंट लगा लिया है, इधर से भी और इधर से भी सेंटर पॉइंट लगा लिया है। अब इसको ऐसे बिछाएंगे उल्टा करके, और ये इधर को फोल्ड करेंगे इधर से ऐसे सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा आगे। इसको ऐसे और इसको ऐसे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए ये सेंटर पॉइंट निकाल के इधर से इधर को फोल्ड कर लिया, इधर से इधर को फोल्ड कर लिया, पूरा ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और ये इधर से इधर को सिलाई लगा देंगे, पहले सीधी सिलाई और ऊपर की साइड से भी सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए मैंने इस साइड से भी और ऊपर की साइड से भी सिलाई लगा दिया है, और ये यहाँ पे निशान लगा दिया है, 3-3 इंच का दोनों साइड से निशान लगा दिया है। और अब मैं इसको ऐसे सिल दूंगी, कट नहीं करूंगी, ऐसे सिल दूंगी। आप चाहे तो इसको कट करके सिल सकते हैं या ऐसे भी सिल सकते हैं, तो मैं ऐसे सिलूंगी। अभी मैं दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए सिलाई मैंने लगा दी है दोनों साइड से, आप चाहे तो इसको कट भी कर सकते हैं। ये देखिए सिलाई लगा दी है, अब मैं इसको सीधा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है, ये देखिए इसके कोने ऐसे निकल गए हैं। और अब मैं ना इसको यहाँ तक थोड़ा सा सिलाई लगाऊंगी, यहाँ से यहाँ तक इसको अटैच कर दूंगी दोनों को ऐसे करके। इन दोनों को, नीचे वाले को नहीं सिलना, इन दोनों को ऐसे खोल के इन दोनों को यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी। और ये मैंने ऊपर वाला भी ये फोल्ड कर दिया है, ये जो कोने थे इनको अंदर को ऐसे घुसा के दोनों साइड से। और अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगा दूंगी और उसके थोड़ा सा ऐसे मोड़ के सिलाई लगा दूंगी इसमें। और उसके बाद आप इसमें चाहे तो बटन लगाइए या फिर हैंगर को इसके अंदर फंसा के ऐसे सिलाई लगा सकते हैं। वरना अगर मतलब कभी धोने के लिए भी निकालना होता तो उससे अच्छा है यहाँ पे आप दो दो तीन टीच बटन लगाइए और फिर कभी धोना हो तो इसको खोल के अपना धो लो और फिर दोबारा से यूज के लिए हो जाता है। तो ये देखिए मैंने इसको सीधा कर लिया है, ये कोने निकल गए हैं इसके। और यहाँ से मैं इसको यहाँ तक थोड़ा सा सिल दूंगी क्योंकि बहुत खुला खुला लग रहा है, तो इन दोनों पार्टों को ऐसे करके यहाँ तक सिलाई लगा दूंगी नीचे से यहाँ तक। और ये ऊपर का पोर्शन भी मैंने ये कर लिया है, इसमें प्लेट डाल दिए इसके अंदर को ये घुसा के दोनों साइड से, और इसको थोड़ा पतला कर दिया है। और बस अब इसको यहाँ पे एक टॉप सिलाई लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसमें तीन टीच बटन लगा दूंगी। आप चाहे तो इसमें हैंगर फंसा के ऐसे करके सिलाई कर सकते हैं, नहीं तो मेरी तरह यहाँ पे टीच बटन लगा के और फिर उसमें हैंगर फंसा के ऐसे करके हैंग कर सकते हैं। और कभी धोना या वॉश करना हो तो इसको खोल के अपना धो लो। तो मैं पूरा तैयार करके आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए मेरा ये ऑर्गेनाइज़र तैयार हो गया है बस एक ब्लाउज पीस से। ये देखिए यहाँ पे तो अभी मैंने पिन लगा ली है, चाहे तो आप पिन लगा के भी रख सकते हैं या फिर आप इसमें बटन वगैरह भी लगा सकते हैं और ऐसे हैंग करके अलमारी में या कहीं भी रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से ये कपड़े ऐसे निकाल के अपने आराम से ऐसे रख के अपना ऐसे कहीं भी टांग के कहीं भी हैंग करके रख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा ये ऑर्गेनाइज़र कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ आप लोग लाइक नहीं करते हैं, एक लाइक करने में क्या जाता है, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।